जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, मैं डॉक्टर रणधीर शर्मा आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एंगियोटिको वन का प्लांट्स नंबर 5 के बारे में जानने के लिए मालवा सेल्वेस्टिस। लेकिन आज बता दें एंगियोटिको का प्लांट नंबर 4 का नाम है हाइड्रेस्टिस कंडेंसिस। हाइड्रेस्टिस कंडेंसिस जो कि हम स्क्रोफोल्सो ग्रुप में पढ़ चुके हैं, तो उसके बारे में हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एंगियोटिको का प्लांट्स नंबर 5 और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्लांट्स नंबर 29 के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है मालवा सेल्वेस्टिस, जिसको कि कॉमन नेम दिया गया है मेलो या तो मास्क मेलो के नाम से जाना जाता है। यह इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की रेमेडी में A1 से लेके A3 में इस्तेमाल किया गया है, L2 में है, S7 में है, S8 में है, P3 में है, P7 में है, C7 में है, C9 में है, C12 में है, C14 में है, C16 में है और सिंथेसिस में है। यह मालवा सिल्वेस्ट्रिस प्लांट्स जो है मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसकी जो हैबिटेट जात वाली प्रजातियां हैं यूरोप और अमेरिका में पाए गए हैं, और इसको जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में मेडिसिन में जो यूज़ हुई है फ्लावर लीव्स सूट और रूट को इस्तेमाल किया गया है। और इसकी जो इसमें जो प्लांट्स के जो विटामिन्स पाए गए हैं, विटामिन्स ए भी मिल रहे हैं, बी भी मिल रहे हैं, सी और यूज्ड इन सूथिंग स्किन को भी कवर करता है, कफ सिरप को भी बहुत बेहतर, कफ सिरप में भी बहुत बढ़िया इसका रोल है। A1 का मालवा सेल्वेस्टिस का जो कि एंगियोटिको का प्लांट्स नंबर 5 है और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्लांट्स नंबर 29 है। और इसका जो डिस्क्रिप्शन, इसका प्लांट्स जो होता है, इसकी फैमिली जो होती है फैंटली मस्की होती है, एलिंगेटली इसका कट लीव्स होता है, राउंड सेलो लोब्ड लीव्स होता है, लार्ज वाइट पिंक कलर के नाम से फ्लावर होता है। इसमें जो पाए वाले जाने वाले विटामिन्स और भी है कॉन्स्टिट्यूशन म्यूकिलेज मालविन मालवडेनिन टेनिन, इस तरह का इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पाए गए हैं। तो हमें याद रखना है कि मालवा सेल्वेस्टिस यानी एंगेटिको नंबर 1 का प्लांट्स नंबर 5 और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्लांट्स नंबर 29 में विटामिन ABC की भी बहुत भरपूर मात्रा है। इसको ABC की कमी है तो A1 के ग्रुप की अगर मेडिसिन पिएगा तो उसको काफ़ी राहत मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।